नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। आज की वीडियो में दिखाएंगे अगर स्टेफाइन की अगर आपकी अवॉर्ड हो जाती है तो यहाँ पर क्या क्या दिक्कत आपको आ सकती है। चलिए दोस्तों, हम स्टेफाइन ऐप को यहाँ पर ओपन करेंगे। दोस्तों हम स्टेफाइन ऐप के अंदर आ चुके हैं। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, दोस्तों हमने यहाँ पर कार्ड का लोन लिया था। दोस्तों यहाँ पर ये लिखा है, यहाँ पर स्टेफाइन योर कार्ड इज़ ब्लॉक्ड है दोस्तों, और यहाँ पे योर आउटस्टैंडिंग अमाउंट इन कंटिन्यू यूजिंग योर कार्ड। दोस्तों हमने यहाँ पर जो वर्चुअल कार्ड रहता है उसमें जो है लोन यहाँ पर लिया था। दोस्तों इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर डाला दोस्तों, आप देख सकते हैं इसका फुल वीडियो। उसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर जो कार्ड की लिमिट है 15,000 रुपये मिली थी दोस्तों, जिसमें से हमने यूज़ कर लिया है 14,994 रुपये यहाँ पर यूज़ कर लिया है, और बैलेंस जो है 5.57 रुपये से यहाँ पर बचा है। उसके बाद देख सकते हैं आप दोस्तों, यहाँ पर अमाउंट ड्यू लिखा है 11,989 रुपये से यहाँ पर लिखा है। यहाँ पे 26 मार्च 2022 को हमारी EMI डेट आने वाली थी दोस्तों, और यहाँ पे टोटल पेबल अमाउंट है 23,260 रुपये, और टर्नओवर जो है हमारा दोस्तों यहाँ पर 180 दिन का दोस्तों। और यहाँ पर आप देखते हैं ओवर ड्यू चार्जेस यहाँ पर लिखा है, क्लियर ड्यू लिखा है यहाँ पर, यहाँ पर लिखा है फेलर टू पे ऑन टाइम विल मेक यूअर एलिजिबल लार्जेस्ट लोन, यहाँ 5 लाख रुपये तक दिखा रहा है दोस्तों। बस ये ऐप जो है यहाँ पर 5 लाख रुपये तक लोन देता ही नहीं दोस्तों। ये खाली मैं कम से कम 1 साल से इसे यूज़ कर रहा हूँ, इसने जो है 15,000 से ऊपर का लोन दिया ही नहीं दोस्तों अभी तक, और 15,000 पर दोस्तों 7,000 रुपये का इंटरेस्ट लगा दिया दोस्तों। उसके बाद आप यहाँ पर एक ऑप्शन देख सकते हैं, चेक फॉर न्यू लोन। आप जो है कार्ड लोन लेने के बाद भी दोस्तों आप यहाँ पर जो लोन है ये भी लोन ले सकते हो दोस्तों, पर मेरे इसमें यहाँ पर दिखा है यू आर करंटली नॉट एलिजिबल। इसका मतलब यही है दोस्तों कि एक टाइम में यहाँ पर एक ही लोन ले सकते हो दोस्तों, तो मैंने जो है कार्ड का लोन ले चुका हूँ दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ बैक करें दोस्तों। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आप कार्ड का ट्रांजेक्शन देख सकते हो दोस्तों, हमने कहाँ पर किया दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं फ़ोन पे रेंट में हमने इस कार्ड को यहाँ पर यूज़ किया था दोस्तों, 14,880 रुपये हमने जो है फ़ोन पे यहाँ पर रेंट जो है फ़ोन पे रेंट में जो है ट्रांसफ़र किया था। और दोस्तों हमें जो ये जो लोन है बहुत महंगा पड़ गया दोस्तों, क्योंकि हमें जो है यहाँ पर दोस्तों 5-7 हज़ार रुपये तो इंटरेस्ट लग गया दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ट्रांसफ़र जो यहाँ से हमने किया उस पर भी यहाँ पर जो फ़ोन पे रेंटल है वो भी लग गया दोस्तों। तो ये दोस्तों ये ऐप जो है सबसे महंगा है दोस्तों, बहुत इसमें हैवी जो है इंटरेस्ट लगाया जाता है दोस्तों। मैंने कम से कम यहाँ पर 50% का इंटरेस्ट समझ लो दे दिया इसे आपको, जब भी मैं रिपेमेंट टाइमली नहीं करूँगा दोस्तों तो ये हमेशा इंटरेस्ट जो है यहाँ पर चार्जेस करते रहेंगे। उसके बाद दोस्तों हम यहाँ पर जो बैक है बैक आए थे दोस्तों, फिर से हम यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर देखते व्यू EMI डिटेल को हम यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर आप देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर टोटल जो है 3,757 रुपये यहाँ EMI दिखा रहा है, और यहाँ पर देखते 30 डे का सर्किट है, और यहाँ पर EMI इंटरेस्ट जो है 1,000 रुपये दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर 2 EMI जो है हमारी बाउंस हो चुकी है दोस्तों। यहाँ पर अवॉर्डी और अवॉर्डी 2 चलने लगी दोस्तों 25 अप्रैल, यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, आज 26 अप्रैल है, कल हमारा यहाँ पर भी अवॉर्डी हो चुका है, यहाँ पर भी अवॉर्डी हो चुका है दोस्तों, यहाँ पर 2 EMI हमारे जो है अवॉर्डी हो चुके हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर बैक चलते हैं। बैक चलने के बाद दोस्तों हम यहाँ पर होम पे ओके करेंगे, और दोस्तों यहाँ पर जो है आप यहाँ पर जो है पे नाव पे हम यहाँ पर टैप करेंगे दोस्तों। पे नाव पर टैप करने के बाद देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो दिखा रहा है 8,232 रुपये हमें यहाँ दिखा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जैसे टैप करते हैं दोस्तों तो हमारा 7,514 रुपये जो है हमारा EMI का ओवरड्यू EMI दिखा दोस्तों। और यहाँ पर जो लेट पेमेंट चार्जेस दोस्तों 718 रुपये हमें यहाँ पर लग चुका है दोस्तों। तो हमें यहाँ पर जो दोस्तों यहाँ पर जो है 3,700 की हमारी EMI है, तो दोस्तों आप देखते हैं यहाँ पर 718 रुपये हमें यहाँ पर जो है इंटरेस्ट लगा दिया गया दोस्तों 2 EMI बाउंसिंग का। और यहाँ पे जो दोस्तों हमें यहाँ कुछ पॉइंट मिले तो ये तो यूज़ कर ही नहीं पाते दोस्तों हम यहाँ पर, दोस्तों हमें यहाँ 718 रुपये यहाँ पर जो EMI का इंटरेस्ट लग गया दोस्तों। और हमारी यहाँ पर जो EMI है दोस्तों यहाँ पर जो है 2 महीने का जो है दोस्तों हमारा जो है अवॉर्डी हो चुका है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो दोस्तों, आपको दिखा भी दिया हमने यहाँ पर, तो दोस्तों हम यहाँ पर जो पे नाउ ऑप्शन इस पर जैसे पे करेंगे दोस्तों तो हमारा जो है यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों 718 रुपये यहाँ पर EMI ड्यू दिखा रहा है दोस्तों, और यहाँ पर जो है इंटरेस्ट जो है 3,000 रुपये दिखा रहा है दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर, और यहाँ पर दोस्तों EMI जो हमारी 2 ओवरड्यू चल गई दोस्तों, तो इसमें आपको क्या क्या सिचुएशन प्रॉब्लम हो सकती है मैं आपको बता दूँ दोस्तों। दोस्तों आपको यहाँ पर जो है कस्टमर केयर के हरासमेंट कॉल आ सकते हैं दोस्तों, और यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज आएंगे आपको रोज़ आएंगे दोस्तों व्हाट्सएप पे कि आप पेमेंट कर दीजिए, पेमेंट क्यों नहीं कर रहा है, क्यों करूँगे कैसे करूँगे, तो हम आपके घर आ जाएंगे, आपकी सारी डिटेल वगैरह जो भी है सारी चीज़ आपको जो है व्हाट्सएप पर सेंड करेंगे दोस्तों, मतलब आपको डराएंगे धमकाएंगे दोस्तों, इस प्रकार से जो है आपको पेमेंट करने के लिए हरासमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये जो है मैंने नंबर बंद कर दिया था अपने मोबाइल नंबर, इस चक्कर में ये कॉल भी नहीं लगा पाया ना मैसेज भी नहीं आ पाया दोस्तों, व्हाट्सएप को डिलीट कर दिया मैंने जब तक कि ओवरड्यू था दोस्तों। इसका जो ओवरड्यू होने पे आपको यहाँ पर ये प्रॉब्लम हो सकती है, और आपका सिविल थोड़ा डाउन हो सकता है दोस्तों यहाँ पर, तो इस प्रकार से आपको यहाँ दिक्कत आ सकती है व्हाट्सअप कॉल और ये। बाकी जो है 2 महीने से हमारा ओवरड्यू चल रहा है दोस्तों, हमें कोई नोटिस या फिर कोर्ट केस या पुलिस केस ऐसा नहीं होता दोस्तों, इसमें खाली एक नोटिस भेजते हैं दोस्तों, नोटिस में लिखा रहता है कि हम आप जो है लोन का पेमेंट कर दीजिए, नहीं तो दोस्तों ये जो है ऐप से लोन को जो है माफ़ भी कर देता है दोस्तों। आप मेरी पिछली वीडियो में जाकर देखते दोस्तों, 2 EMI जो हमारी कम से कम 8 EMI जो है बाउंस हो चुकी है दोस्तों लोन की, तो उसमें से दोस्तों 2 EMI जो है हमारी ऑफ़ कर दी है इनने। तो इस प्रकार से जो है दोस्तों इस ऐप में ऑफर मिल जाएंगे आपको।
यहाँ पर अवॉर्डी होने के बाद ऑफर मिल जाएगा दोस्तों आपको। बट मेरा मानना है दोस्तों कि इस ऐप से लोन ना ही ले तो ही अच्छा है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं दोस्तों सिर्फ मैंने यहाँ 15,000 रुपये मिले थे और यहाँ पे 23,260 रुपये हमें यहाँ पेमेंट करना पड़ रहा है। उसके बाद जो जो कार्ड है जो है हमने उसको उसका ट्रांजेक्शन किया दोस्तों, तो उसका भी जो है हमें वहाँ पर 1,000 रुपये 1,500 रुपये वहाँ पर भी जो है फ़ोनपे रेंट में जो है वहाँ पर हमें जो है चार्जेस लग गए दोस्तों। तो दोस्तों इस ऐप से लोन ना ही ले तो बेहतर है दोस्तों। तो हमारा कार्ड यहाँ पर जो है ब्लॉक कर दिया गया दोस्तों, हम यहाँ पर इस कार्ड को यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाएंगे जब तक कि हम यहाँ पर रीपेमेंट नहीं करेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आपको जो है यहाँ पर अवॉर्डिंग होने पर ये समस्या यहाँ पर हो सकती है। अगर आपका आपने भी लोन लिया दोस्तों तो आप लोन इस ऐप से ना ही ले तो ही बेहतर है दोस्तों। तो यही था वीडियो में दोस्तों, अवॉर्डिंग होने पर आपके साथ में यहाँ पर क्या क्या हो सकता है। तो वीडियो कैसे लगे कमेंट में बताया दोस्तों, अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।